हाय फ्रेंड, दिस साइड से विपुल शाह। आज आपके लिए लेके आए और एक बढ़िया टॉपिक, इंडिया स्कूल शॉर्टेज। क्या सच है क्या झूठ है, आज अपन जानने वाले हैं। एंड अगर ये न्यूज़ सच है या झूठ है तो अपने पावर स्टॉक्स के ऊपर क्या असर होगा, ये अपन देखने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है वो वीडियो मैं आपके पास इमीडिएटली लेके आऊँगा। गाइज, हर साल अप्रैल में आप ये न्यूज़ सुनते रहेंगे कि इंडिया में गर्मी बढ़ रही है, तो अप्रैल में नो डाउट गर्मी बढ़ती है, उसके साथ ये न्यूज़ भी बहने लगती है। कौन सी न्यूज़? कि इंडिया में कोल शॉर्टेज होगा, है ना। उसके बाद ये भी न्यूज़ आता है कि अभी अपने जो भी पावर कंपनीज हैं उनके पास 4 से 7 दिन का स्टॉक है, बाद में देर इज़ नो कोल स्टॉक, एंड कोल का अगर शॉर्टेज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी पावर कट एंड अप्रैल में का महीना, तो और परेशानी। ये न्यूज़ आती है बट ये 4-7 दिन ही न्यूज़ आती है, बाद में न्यूज़ गायब हो गई। लास्ट अप्रैल में भी ऐसा ही हुआ था, कोल इंडिया ने हाईएस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया था। उसके बाद भी ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ था और इस साल भी अप्रैल में न्यूज़ था। आपने टीवी पे देखा रहेगा कि इंडिया में इतना ही स्टॉक है कि 4 से 7 दिन ही कोल अपने पास है, लेकिन बाद में आगे कुछ होगा ही नहीं, ये न्यूज़ गायब हो गई। आज अपन मई महीने में, आप बताओ अपने लास्ट वीक में ऐसी कुछ न्यूज़ देखी क्या? कुछ भी नहीं। तो एग्जैक्टली अपना जानने वाले हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और ये कुछ आर्टिकल्स के फोटो मैंने दिए हैं जहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है क्या, या एक एक जनरल जानकारी आपको दी है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का जो सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं एंड शेयर्स में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, फ़ायदा क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स है, 1 ईयर MC फी है, स्मार्ट केस, स्मार्ट API है, जिससे आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिलते हैं, पूरा एनालिसिस करके मिलता है, करेक्ट ना। आप आपके रिस्क क्राइटेरिया के हिसाब से कौन से स्टॉक आपके लिए बेटर है उसका पूरा 10-10 साल का एनालिसिस मिलता है, पर्सनलाइज एडवाइजरी है, इंट्राडे के लिए फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है, और क्या चाहिए। तो फटाफट वेट मत कीजिए, इंडिया के नंबर वन ब्रोकर से जुड़ जाइए। नीचे मैंने लिंक दिया, उसको क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन किए हैं। एंड तब तक अपन आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये कोल का इशू क्या है। तो ये अभी करते हैं अपन रियल एनालिसिस। नाउ गाइस, कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आप भी चेक कर सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट सोर्स, 30 डेज का अपने पास कोल इंडिया के पास स्टॉक है, विच इज इक्वल टू 72.5 मिलियन टन्स, मेट्रिक टन ऑफ कोल, इतना अपने पास स्टॉक है। देन चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन, उन्होंने कहा था कि जो कोल स्टॉक है उसमें 81 गवर्नमेंट के थर्मल पावर स्टेशन एंड 28 प्राइवेट सेक्टर, उनका प्लांट, उनके स्टॉक के बारे में चिंता ज़रूर है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है अपने पास कोल इंडिया का कितना है, 72.5 मिलियन टन्स का अपने पास क्या है, उन्होंने स्टॉक करके रखा है, जो अगले 30 डेज का डिमांड मीट कर सकता है। बस ये जो 81 गवर्नमेंट के हैं एंड जो 21 प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए थोड़ा तकलीफ का काम है। एंड ऑन एन एवरेज जो एवरेज कंजप्शन इंडिया में वो अराउंड है डेली 2.1 मेट्रिक टन, है ना। डेली कितना होता है, 2.1 मेट्रिक टन है एवरेज कंजप्शन है। तो देखा जाए तो अपने पास 30 डेज का स्टॉक है, एक्सेप्ट दिस 81 एंड 28, इसमें प्रॉब्लम है। ओके, अभी और एक न्यूज़ है कि इस साल कोल का प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हुआ है। अभी आप देखो यहाँ पे स्टॉक कितना है, प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि कोल का शॉर्टेज है। अभी आप एज्यूम करते कि कोल का शॉर्टेज है, अभी अगर कोल का शॉर्टेज है तो नेचुरली ये पैनिक न्यूज़ है एंड नेचुरली स्टॉक के रेट्स क्या होने चाहिए, गिरने चाहिए। तो ये सब टेक्निकल छोड़ दो, अभी मैं आपको डायरेक्टली आपको जो समझता है उस लैंग्वेज में बात करता हूँ। अभी देखो मैं कुछ आपको 10 अच्छे पावर कंपनीज दिखाता हूँ, ये न्यूज़ के बाद भी अडानी पावर 4.98% अप, जी पावर, NHPC, जयप्रकाश पावर, LSOM TD, ये सभी 3-4% क्या है, अप है ये न्यूज़ आने के बाद भी। देन NLC इंडिया, SJVN, ट्रांसफॉर्मर, KPI ग्लोबल एंड JSW एनर्जी, दीज आर द टॉप गेनर्स इन न्यूज़ आने के बाद भी, ये सभी लोग क्या है, गेनर्स है। अभी और एक डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आपको समझेगा कि ये न्यूज़ पे अपने को फोकस करना है या फंडामेंटल पे। नाउ आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एनालिसिस आई कैन प्रोवाइड यू।
ये मैंने 10 कंपनीज का लास्ट एक साल का लो एंड हाई दिया है। अडानी पावर लो 70 रुपीज, हाई 256। टाटा पावर को देखो 92 लो एंड 298 हाई। ये सभी कंपनीज का आप देखेंगे कम से कम 2-3 गुना शेयर्स बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूज़ आते हैं ये न्यूज़ सही है या गलत है आपको सोचना है। तो माई सजेशन, स्टिक टू फंडामेंटल। ये पावर शॉर्टेज, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे। ये आपने जाने भी पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि कोल का प्रोडक्शन काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड रहता है। तो दिस प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू बी दैट, बट ऑन एन एवरेज वो कवरअप हो जाता है। एंड माई सजेशन, यू स्टिक टू फंडामेंटल। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द कोल स्टॉक, मतलब पावर स्टॉक सेक्टर स्टॉक, देन प्लीज गो थ्रू दिस डेटा एंड देन टेक दिस डिसीजन। सो गाइज, आई थिंक दिस एनालिसिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टीवी न्यूज, मार्केट न्यूज और सम व्हाट्सअप न्यूज, टेलीग्राम न्यूज। स्टिक टू फंडामेंटल एंड देन टेक डिसीजन। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, नीचे लिंक दिया है उस पर फटाफट अकाउंट ओपन कीजिए। एंड अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।